हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। मैं रुचिका कुमारी। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभिक विद्युत से संबंधित बहुविकल्पिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुविकल्पिक प्रश्न के 30 प्रश्न को सॉल्व किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे से पढ़ेंगे। दिए गए चित्र के द्वि आपूर्ति से प्रतिरोध से होकर धारा ज्ञात कीजिए, धारा निकालिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.0 एम्पियर। नेक्स्ट, प्रदर्शित परिपथ में आर एवं आई से होकर वोल्टेज वी का धारण निर्धारण डैश से होता है। पिक्चर देखिए और आंसर को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, वन हंड्रेड सेमी लंबाई वाले किसी चालक का व्यास 0.7 सेमी है, जिसे 20 वोल्ट सप्लाई करने वाले किसी परिपथ से छोड़ा गया है एवं परिपथ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के विद्युत प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0.003849 ओम/cm³। क्वेश्चन नंबर 34, दिए हुए चित्र में एक्स एवं वी के बीच प्रतिरोध की माप कीजिए। एक्स और वी के बीच प्रतिरोध की माप कीजिए। करेक्ट आंसर है बी, 3 वाट। नेक्स्ट, क्वेश्चन 35, लैंप 200 वाट पर 250 वोल्ट का गर्म प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 312.5 ओम। क्वेश्चन 36, दो लैंपो जिन पर 200 वाट और 240 वोल्ट रेटिंग अंकित है को श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है एवं संयुक्त से को 240 वोल्ट एसी सप्लाई के मेन से जुड़ा गया है, परिपथ में कुल पावर खपत 10 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 100 वाट। क्वेश्चन 37, चित्र में दर्शाए गए आर प्रतिरोध में धारा का मान क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 100 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन 38, विद्युत मीटर के उसमें निपुणता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विद्युत मीटर कि उसमें निपुणता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 39, स्विच बंद करने पर वोल्ट मीटर के संकेत का क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रतिरोध का मान इसके ओमिक मान के आधार पर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन से, 1 ओम पेयर, 1 ओम के ऊपर, ना 1 ओम के ऊपर। क्वेश्चन
होते हैं। वांछित्र में हेटोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज परिपोर्ट को क्या कहा जाता है? फिगर को देखिए, फिर से बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संतुलित। क्वेश्चन 42, 125 वोल्ट 40 वाट एवं 125 वोल्ट 100 वाट के दो प्रदीप्त लैंपों को 230 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, इस संपर्कन से क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन से, 40 वाट वाले लैंप से होकर ह्रास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक हो जाता है या फ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी पदार्थ में यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घट जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन। इस पदार्थ में यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घट जाएगा, कार्बन में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, किसी 12 ओम के प्रतिरोधक को किसी 60 वोल्ट वाले डीसी स्रोत में से जुड़ा जाता है, प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित धारा का मान परिकल्पित कीजिए। ऑप्शन बी, 5 एम्पीयर। चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांकित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1.25 वाट। क्वेश्चन नंबर 48, से विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक यूनिट क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। क्या आंसर होगा? किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी पदार्थ के मीटर ट्यूब या सेंटीमीटर ट्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ के मीटर ट्यूब या सेंटीमीटर ट्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सर है उपयुक्त सभी वर्णित पर, किसे करता है? सभी पर, जितना ऊपर दिए गए ऑप्शन सभी पर। इसके द्रव के प्रकार पर, इसकी लंबाई पर और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी प्रतिरोध से होगा प्रभावी धारा का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी, आरोपित वोल्टेज एवं प्रतिरोधक के ओमिक मान पर। प्रश्न करता है आरोपित वोल्टेज एवं प्रतिरोधक के ओमिक मान पर। क्वेश्चन नंबर 50, अचर आरोपित वोल्टेज के लिए प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित डैश होता है, क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आर के व्युत्क्रमानुपात। क्या होता है? आर के व्युत्क्रमानुपात। क्वेश्चन नंबर 51, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधक आर धारा आई वो विभवांतर भी के बीच संबंध डैश में वर्णित है, किस ऑप्शन में वर्णित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आई इक्वल टू वी बाय आर, या वी इक्वल टू आई आर, या आर इक्वल टू वी बाय आई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, 60 ओम के प्रतिरोधक से होकर वोल्टेज ह्रास क्या होगा यदि इससे होकर 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 वोल्ट। क्या होगा? 6 वोल्ट, 60 × 0.1 / 10 = 6 वोल्ट।
चित्र में ब्रश से तरीके से जुड़े तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 का कुल प्रतिरोध क्या होगा? फिगर को देखिए, फिर गणना कीजिए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वन बाय सिक्सटी प्लस वन बाय सिक्सटी इक्वल टू थ्री बाय सिक्सटी वन बार में ट्वेंटी किलो वाट। इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए 20 किलो वाट। क्वेश्चन 54। यदि 100 वाट 200 वाट 300 वाट के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एवं इस पर आरोपित वोल्टेज भी है तो? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रतिरोध से होकर प्रभार समान होगी जबकि उनके बीच उत्पन्न वोल्टेज भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 55। दिए हुए परिपथ से होकर प्रवाह धारा आई का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 0 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 50। से दिए गए परिपथ में R3 के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो दिए हुए वोल्टेज V3 के लिए? फिगर को देखिए। क्या आंसर होगा? सभी धाराएं प्रभावित होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।